हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, वेरी गुड। चलिए बेटा, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ नाउन। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? नाउन। नाउन से बेटा आप लोग अवेयर होंगे, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास से नाउन पढ़ा है, आप सभी को पता होगा नाउन क्या होता है। इसका हमने आपको क्वेश्चन भी दिया है बेटा एक, जिसमें आपको नाउन की डेफिनेशन लिखनी है और नाउन के काइंड्स लिखने हैं, आपने किया है लास्ट पीरियड में। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जानना है नाउन होता है क्या। आप सभी को पता है नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम होता है। किसी भी नाम, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सारा, डेली, बुक, लाइन, वाटर, स्काई, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, ये सब क्या है? नाउन है। चलिए, ये तो बेटा आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, इसमें हमको ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। अब हम आते हैं बेटा काइंड्स ऑफ नाउन में। यहाँ बेटा फाइव काउंट्स ऑफ नाउन दिए हुए हैं। ये जो फाइव काइंड्स ऑफ नाउन दिए हुए हैं, मैं इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इनको समझिएगा ज़रा। पहला है बेटा प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नेमिंग वर्ड, ठीक है। प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। जब कभी भी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए आपको, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे बेटा मान लीजिए हमने क्या नाम दे दिया, कंट्री ना बोल करके इंडिया बोल दिया, सिटी ना बोल करके कानपुर बोल दिया, रिवर ना बोल करके गंगा बोल दिया। भाई गंगा का खास नाम बता दिया ना, इंडिया का नाम बता दिया ना। जब किसी का पर्टिकुलर नाम ले लिया जाए तो वो होता है बेटा प्रॉपर नाउन। फिर बेटा कॉमन नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा वर्ड जो कॉमन होता है। कॉमन मतलब उस वर्ड को बोलने से उसी तरीके की और भी जो चीज़ें होती हैं वो भी उसी कैटेगरी में आ जाती हैं और हम पहचान नहीं पाते कि बात किसकी हो रही है। जैसे अब हमने कहा कि कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब भाई किस कंट्री की बात हो रही है? अभी उसी की जगह हमने बोल दिया इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो भाई इंडिया बोल दिया तो पर्टिकुलर इंडिया कंट्री की बात हो रही है। बट अगर हमने कंट्री बोला तो पता नहीं कौन से कंट्री की बात हो रही है। हमने सिटी बोला, जैसे यहाँ सिटी लिखा है ना, अब कौन से सिटी की बात हो रही है पता नहीं, सिटी तो बहुत सारे हैं, सिटी एक कॉमन नाम हो गया। रिवर की बात करें तो रिवर एक कॉमन नाम हो गया। बॉय की बात करें तो कॉमन नाम हो गया। बॉय की जगह हम कपिल बोल दें तो पर्टिकुलर हो गया। उसी तरीके से ये कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस होता है, आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस होता है, अब आ जाइए बेटा कलेक्टिव नाउन में। बेटा कलेक्टिव नाउन किसी भी गैदरिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब जब कोई भी चीज़ कलेक्शन में होती है तो उसको हम एक सिंगल नाम दे देते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो होता है, जहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उसको क्लास बोलते हैं। सोल्जर्स का कलेक्शन आर्मी कहलाता है, और जो शिप में जो मेंबर्स होते हैं उनके कलेक्शन को क्रू बोलते हैं। फ्लीट क्या होता है, फ्लीट क्या होता है, फ्लीट मेरे ख्याल से शिप को बोलते हैं ना, फ्लीट ऑफ शिप होता है, किसका होता है? फ्लीट भी किसी का बेटा कलेक्टिव नाउन होता है। इसको चेक करिएगा आप लोग जरा अपनी एक बार डिक्शनरी में चेक करिएगा फ्लीट का मतलब क्या होता है। फ्लीट आपका आई थिंक जहाँ पे शिप खड़े होते हैं उसको फ्लीट बोलते हैं, जहाँ पे खूब सारे शिप्स खड़े होते हैं उसको फ्लीट ऑफ शिप बोलते हैं, है ना। इस तरीके से ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। उसी तरीके से स्वॉर्म ऑफ बीज होता है, मधुमक्खियों का छत्ता स्वॉर्म होता है। किसी चीज़ का ढेर लगा हो तो उसको हीप बोलेंगे। अब आते हैं बेटा मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिससे कोई दूसरा चीज़, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरी चीज़ को बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हो तो वो चेयर किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, तो वुड क्या हो जाएगा बेटा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड है, ज्वेलरी किससे बनती है, गोल्ड से बनती है, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, मटेरियल नाउन। शुगर, चीनी क्या है, मटेरियल, उससे चाय बनती है। मतलब मटेरियल नाउन का मतलब कि कोई भी सामान किस चीज़ से बना है, वो जिस चीज़ से बना होगा वो मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे चाय बनी मिल्क से, आपका कुछ और कोई और प्रोडक्ट दही बनाए मिल्क से, तो क्या हो जाएगा, मिल्क क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसी तरह से बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नेमिंग वर्ड होता है जो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिसको हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ फीलिंग्स के लिए यूज़ किया जाने वाला नाउनिंग नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। काइंडनेस, हेट्रेड, प्राइड, ब्यूटी, ये क्या है बेटा, आपका फीलिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ फीलिंग के लिए यूज़ होता है, इमोशंस के लिए यूज़ होता है, इसको छू और देख नहीं सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये देखिए कॉमन नाउन के एग्जांपल हैं, हम आपको इसके एक्सरसाइज सेंड करेंगे बेटा, उसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको लर्न भी कर लीजिएगा कि क्लास क्या होता है बेटा, किसका कलेक्शन होता है। क्लास जो होता है वो आपका स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है। इसी तरीके से अलग अलग सबको आपको दिए हैं सबके कलेक्शन, ये आप लर्न भी कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज हमने दिया है जिसमें मटेरियल नाउन के बारे में फिलअप करना है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट पीरियड में सेंड करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने आपको समझा दिया है, जो फीलिंग वाले वर्ड्स होते हैं, इमोशंस वाले वर्ड्स होते हैं, इनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म करते हैं, एडजेक्टिव से बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं और कॉमन नाउन से बना सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव से ब्रेव से ब्रेवरी बन गया, नो से नॉलेज बन गया, चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया। तो समझ में आ गई होगी बेटा बात, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार खुद से भी पढ़िएगा, फिर बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।